आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और तबस्सुम टॉकीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी लेग पुलिंग मत करना, हम तो बहुत डरते हैं कोई हमारी लेग पुलिंग करे। लेकिन हमारे किशोर कुमार, अरे किशोर दा तो सबसे बिल्कुल अलग थलग थे। वो हमेशा मुझसे कहते थे कि तबस्सुम तू स्टेज पे मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लेग पुलिंग कर, तभी तो लोगों को मज़ा आता है। और हमेशा हर शो में मुझे एक शेर याद दिलाते थे, अरे सुनाना सुनाना वो शेर, और मैं सुनाती थी। चलो अपना जमाना गया, अब जवानों का जमाना आ गया, लेकिन हम तो बूढ़े थे, हम तो जवानों के जवान हैं। कहो बेटे, तुम कह रहे हो इससे पहले कि आप बेटे को बुला के कुछ जाएं, आपके सामने यानी बाप बेटे के सामने मैं अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर कहो। भाई और बहनों, किशोर कुमार जी को आपका अजूबा दुनिया का लोग कहते हैं, एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पागल तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जाहिर है कि इतने महान गायक के सामने आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुकाबले में और आए और गाए। लेकिन जब इनका बेटा अमित कुमार यहाँ इनके मुकाबले में गाने के लिए आया तो मुझे एक शेर याद आया, बाप के बेटा जो गाने में मुकाबले आ गया। वाह वाह, क्या कही, इर्शाद इर्शाद। बाप के बेटा जो गाने में मुकाबले आ गया, इसलिए इल्जाम हर शख्स ने बेटे को दिया। वाह वाह वाह, हम ये बोले बेटे की फतह कुछ भी नहीं, हम ये बोले बेटे की फतह कुछ भी नहीं, सब फतह है बाप की, बेटे को क्यों पैदा किया। तो देखा आपने कितनी मस्ती करते थे हम लोग स्टेज पे, ऐसा ही बहुत कुछ दिखाती रहूंगी। बस आप देखते रहिए सिर्फ तबस्सुम टॉकीज़।